नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। अयोध्या में भले राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, लेकिन अब भी ये मुद्दा राजनीति के केंद्र में है। बीजेपी लगातार इस विषय को लेकर विपक्ष को घेरती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब इसको लेकर सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का नहीं नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े सोते होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए, इन्होंने कर दिया कि न कर दिया, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर सपा कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वह रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे। उन्होंने कहा कि यह लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि सपा कांग्रेस तुष्टीकरण के पीछे घुटने टेक चुकी है। पीएम मोदी ने यह बातें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक चुनावी रैली के दौरान कहा। यहां वह बाराबंकी से भाजपा के प्रत्याशी राजरानी रावत और मोहनलालगंज से प्रत्याशी कौशल कुमार के लिए समर्थन जुटाने पहुंचे थे। यहां उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर लोगों को चिताया। पीएम मोदी ने कहा कि सपा और कांग्रेस किसी हद तक जा सकते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, इनके लिए देश कुछ नहीं बल्कि इनका परिवार ही सबसे बड़ा है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि सपा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना होता है और कहां नहीं। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि वह सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पहले रामलला को इन लोगों ने टेंट में पहुंचाया, उसके बाद मंदिर की जगह और कुछ बनाने की बात कही, इसके बाद जब मंदिर बन गया तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इन्हें राम से कितनी घृणा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटने की तैयारी कर रही है, लेकिन उनका ये नापाक सपना कभी पूरा नहीं होगा। पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा देखिए। बता दें कि जब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण पत्र कांग्रेसियों द्वारा ठुकराया गया है, तब से ही बीजेपी और भी आक्रामक नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस फैसले ने लोकसभा चुनाव के नजरिए से उन्हें कमजोर किया है। कांग्रेस पहले से ही राम मंदिर का विरोध करती आई है, ऐसे में पार्टी के पास मौका था कि वो अपनी भूल को ठीक कर सके। हालांकि कांग्रेस और सपा किसी ने भी ऐसा नहीं किया, जिसका फायदा अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।